जय श्री कृष्ण बच्चों। तो बच्चों, कल हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के अगर वेलोसिटी पैरेलल होगी तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, परपेंडिकुलर होगी तो पाथ सर्कुलर होगा, और किसी और एंगल पर होगी तो पाथ हेलिकल होगा। और उस हेलिक्स के बारे में हमने डिटेल में बातचीत करी थी, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चर्चा हमने करी थी। अब कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ प्रेजेंट होती है, तो जब दोनों एक साथ प्रेजेंट होती है तो पार्टिकल का पाथ कैसा होता है, मूव कैसे करता है, नेट फोर्स क्या होता है, और बाकी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो ये मैंने लिख दिया है, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, तो अगर दोनों प्रेजेंट है तो जो चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा ये बराबर लगेगा क्यू वेक्टर ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। ये जो पूरा पूरा होता है ना, पूरा मिला के क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, इसी को हम लोग कहते हैं लॉरेंज फोर्स। इसी का नाम है, मैंने पहले भी आपको बताया था, इसका नाम है लॉरेंज फोर्स अगर दोनों प्रेजेंट हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो लॉरेंज फोर्स होता है, इस लॉरेंज फोर्स की जो वैल्यू होती है, इसमें एक इंटरेस्टिंग केस आता है जिसपे सवाल भी आते रहते हैं। वो ये है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है लेकिन जो पार्टिकल है वो अनडेविएटेड चला गया। तो अगर पार्टिकल अनडेविएटेड चला गया तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि पार्टिकल के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा, और अगर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा तो इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर मैं लिखता हूं इफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू जीरो। जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर ऐसा आपसे नहीं लिखेगा कि वेक्टर एफ जीरो है, क्वेश्चन में लिखेगा कि पार्टिकल मूव्स अनडेविएटेड, बिना डेविएट हुए सीधा निकल गया। अब सीधा निकल गया इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स कैंसिल आउट हो रहे होंगे ना, तभी तो अनडेविएटेड जाएगा, सीधा निकल जा रहा है। तो जो वेक्टर, मैं तो बोल रहा हूं वेक्टर एफ जीरो, क्वेश्चन में लिखा रहेगा पार्टिकल मूव्स अनडेविएटेड। तो अगर वेक्टर एफ जीरो है इसका मतलब ये होगा कि क्यू वेक्टर ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा और वेक्टर ई की जो वैल्यू आएगी, वेक्टर ई की जो वैल्यू आएगी ये बराबर हो जाएगी माइनस ऑफ बी क्रॉस बी, और मैं माइनस साइन हटाऊंगा तो ये बी क्रॉस बी हो जाएगा, ये वेक्टर ई की वैल्यू आ जाएगी। इसमें भी सवाल बने हुए हैं, अगर पार्टिकल अनडेविएटेड जाएगा तो जो वेक्टर ई होगा वो बी क्रॉस बी के बराबर हो जाएगा। अगर वेक्टर ई बी क्रॉस बी के बराबर है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के होते हुए पार्टिकल जो है वो सीधे निकल जाएगा, दोनों रहेंगे, दोनों फोर्स लगेंगे और ये पार्टिकल सीधे निकल जाएगा। तो ये एक कंसेप्ट हो गया अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है और फिर भी पार्टिकल अनडेविएटेड जा रहा है, इन दैट केस ई इज इक्वल टू बी क्रॉस बी, ये हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें इसी पर एक एक्सपेरिमेंट आता है, इसी कंसेप्ट पर एक एक्सपेरिमेंट आता है, और उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर, वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सिलेक्टर, फिल्टर भी बोल सकते हैं, सिलेक्टर बोले या फिल्टर बोले। वेलोसिटी फिल्टर का काम क्या होता है, ये कुछ खास वेलोसिटीज के चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि एक बीम आ रही है और उस बीम के अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, किसी की वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड है, किसी की 500 मीटर पर सेकेंड है, किसी की 1200 मीटर पर सेकेंड है। तो ये वेलोसिटी फिल्टर क्या करेगा, कुछ खास वेलोसिटी, जो पर्टिकुलर वेलोसिटी पे सेट कर दूंगा मैं इसको, तो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल को सेलेक्ट कर देगा, एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंचा देगा, बाकी को छितरा देगा, इधर उधर कर देगा। तो वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है या वेलोसिटी फिल्टर क्या होता है कि कुछ किसी, जैसे फिल्टर आप वर्ड सुने होंगे, वाटर फिल्टर क्या करता है, वाटर फिल्टर क्या करता है, पानी जाने देता है, फिल्टर यहां लगा हुआ है तो पानी को पास होने देगा, गंदगी रोक देगा। तो वेलोसिटी फिल्टर भी यही काम करता है कि कोई खास वेलोसिटी के पार्टिकल को जाने देता है और बाकी वेलोसिटी के जो पार्टिकल होते हैं इनको उधर उधर छितरा देता है, उसको आगे नहीं जाने देता। तो फिल्टर का काम यही होता है, रोक देना, पर्टिकुलर चीज को रोक देना, बाकी जो वांटेड है उसको आगे बढ़ा देना। तो यहां पर वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर जो होगा वो चूजन वेलोसिटी के पार्टिकल्स को, जो कुछ खास वेलोसिटी के पार्टिकल्स है उनको सिलेक्ट करेगा। तो ये मैं लिख दे रहा हूं, इट सेलेक्ट charges, it select charges having some particular velocity, it select charges having some particular velocity, कुछ खास velocity के जो particles है उनको यह select कर लेगा। ठीक है,
उनको ये सेलेक्ट कर लेगा, बाकी को सबको ये पास होने देता है, सेलेक्ट चार्जेस हैविंग सम पर्टिकुलर वेलोसिटी। अब इसके अंदर क्या होगा, क्या होता है इस वेलोसिटी सिलेक्टर में, क्या होता है कि एक जैसे सिलेंडर टाइप का होता है, और ये जो सिलेंडर होता है इस सिलेंडर के अंदर इधर से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स फेंके जाते हैं। चार्ज पार्टिकल का नाम बता दूं मैं आपको, जैसे अल्फा पार्टिकल हो गया, बीटा प्लस हो गया यानी पॉजिट्रॉन हो गया, बीटा माइनस हो गया यानी इलेक्ट्रॉन हो गया, या कोई प्रोटॉन के बीच में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं। तो इधर से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है, और इस सिलेंडर के अंदर ये इंटर कर जाते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे इसके अंदर क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड होती है और इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब ये जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसकी वजह से यहां पर ये फिल्टरिंग का फिनोमिना होता है। कैसे फिनोमिना होता है, ध्यान से देखें, ये जो चार्ज जा रहा है, मान लेता हूं कि मैं पॉजिटिव चार्ज है, ये जो चार्ज जा रहा है इस चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, F बराबर क्यू ही होता है ना, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ये वेलोसिटी इधर है, B अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। अब अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और मैग्नेटिक, देखिए V इधर है, B अंदर की तरफ, तो V क्रॉस B ऊपर लगेगा, तो बाई चांस अगर ऐसा हो जाए कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स दोनों कैंसिल आउट हो जाए, इलेक्ट्रिकल नीचे लग रहा है मैग्नेटिक ऊपर लग रहा है, अगर दोनों बराबर हो गए तो ये पार्टिकल जो इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और ये सीधे निकल जाएगा, तो यहां इस एंड पे इसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। बाकी जो पार्टिकल होंगे, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा हो गई तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो ये जो पार्टिकल था घूम के इधर चला जाएगा, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हो गया तो फिर क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, तो यहां नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन ऐसे पार्टिकल्स जिनके लिए इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस हो जाएगा वो सीधे निकल जाएंगे और दूसरे एंड पे उनको कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो अब जैसे इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना था, QE, मैग्नेटिक फोर्स था QE भी, तो B की वैल्यू क्या आ गई, E by B। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि मुझे 1000 मीटर पर सेकंड वाले पार्टिकल को सिलेक्ट करना है, तो मैं E by B का रेशियो, यहां जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है इस अरेंजमेंट के अंदर, E by B का रेशियो मैं 1000 कर दूंगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को वैरी करा के E by B का रेशियो मैं 1000 कर दूंगा, तो 1000 मीटर पर सेकंड का जो पार्टिकल है उसी पे चला जाएगा। या मुझे 500 वाला सिलेक्ट करना है तो E by B का रेशियो 500 कर दूंगा, तो 500 जो वाले पार्टिकल्स होंगे 1 डिग्री चले जाएंगे, उससे ज्यादा वाले जो होंगे वो इधर घूम जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, उससे कम वाले जो होंगे वो इधर घूम जाएंगे। तो जो पार्टी, जो खास वेलोसिटी जिसके लिए मैंने इसको डिजाइन किया है, वो जो वेलोसिटी है वो आगे निकल जाएगी, बाकी पार्टिकल्स जो है पीछे ही रह जाएंगे। तो ये वेलोसिटी फिल्टर कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें लिख देता हूं मैं, इन द एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट होता है, इन द एक्सपेरिमेंट देयर आर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, इन द एक्सपेरिमेंट देयर आर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, द पार्टिकल्स हैविंग The particles having velocity given by v is equal to velocity given by v is equal to e by v passes undeviated and they are collected, undeviated, at the other end. ऐसे particles, ठीक है, जिनकी velocity E by B से दी जाती है, वो दूसरे एंड, मतलब वो सीधे निकल जाते हैं, अनडेविएटेड चले जाते हैं और दूसरे एंड पर कलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट होता है, इसे हम लोग वेलोसिटी फिल्टर के नाम से जाना करते हैं। हाँ, तो बच्चों, अब जो है, जैसे कोई मूविंग चार्ज है तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो हमने देखा था क्यू वी क्रॉस बी। अगर मान लीजिए कि कोई करंट कैरिंग वायर है, कोई वायर है जो करंट कैरी कर रहा है, मान लीजिए कोई रैंडम शेप का वायर है, ये
और इसके अंदर आई करंट कैरी कर रहा है ये वायर, तो अगर ये करंट वायर के अंदर करंट कैरी हो रहा है तो करंट कैरी का मतलब कि इसके अंदर चार्ज तो मूव ही कर रहे हैं, तो अगर चार्ज मूव कर रहे हैं और यहां पर कहीं मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है तो इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स लगना चाहिए। भाई करंट कैरिंग वायर क्या है, मूविंग चार्ज ही तो है, वो चार्ज आपको मूव करता हुआ दिखता नहीं, इस कमरे के अंदर जो भी करंट कैरिंग वायर है सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो, पर वो चार्ज आपको दिखता हुआ नहीं है, ऐसा दिख नहीं रहा है। तो अब जब भी कभी चार्ज चलेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो अब ये जो वायर है इसके अंदर चार्जेस मूव कर रहे हैं तो जो भी चार्जेस मूव कर रहे हैं उनके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा। अब जो फोर्स एक्ट करेगा वो कितना एक्ट करेगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे मैं क्या करता हूं, इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है वो मान लिया वेक्टर भी प्रेजेंट है, और मैं इस वायर का एक छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूं, जरा सा छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं, ये एलिमेंट बहुत ही छोटा है, और इस एलिमेंट को मैं वेक्टर डीएल बोल देता हूं। ठीक, अब इस एलिमेंट को मैंने वेक्टर डीएल बोला और इस एलिमेंट के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है और करंट आई जो है वो किसके बराबर होगा, डीक्यू अपॉन डीटी के बराबर होगा। करंट आई की जो वैल्यू आएगी वो डीक्यू अपॉन डीटी के बराबर हो जाएगी। अब इस एलिमेंट इस जरा से टुकड़े के अंदर जो भी चार्ज है उसको मैंने dq माना है तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स आएगा उस फोर्स को मैं df बोलूं तो किसी भी मूविंग चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है, q v क्रॉस b, तो ये हो जाएगा dq इंटू v क्रॉस b जो वेलोसिटी वेक्टर होगा। मान लेते हैं वेलोसिटी वेक्टर v है और मैग्नेटिक फील्ड भी है तो dq इंटू v क्रॉस b हो जाएगा। मैं किसी भी इस जरा से टुकड़े के अंदर डीक्यू चार्ज मान लिया मैंने तो उसके ऊपर फोर्स क्यू वी क्रॉस बी के हिसाब से देखेंगे तो डीक्यू इंटू वी क्रॉस बी के बराबर हो जाएगा। अब ये जो डीक्यू आएगा, डीक्यू इसको मैं लिख सकता हूं आईडीटी, इस डीक्यू की जगह ये जो भी डीक्यू था इस डीक्यू की जगह मैं ये जो डीक्यू है इसकी जगह मैं लिखूंगा आईडीटी इंटू वी क्रॉस बी। अच्छा, वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है या किसी भी चार्ज की वेलोसिटी जो होगी उसको हम dl by dt कर सकते हैं, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो v dt की जगह में v dt जो आया था, सॉरी v यहां पर dt आया था, i dt, तो v dt की जगह में dl कर सकता हूं, तो यही चीज जो हो जाएगी i dl क्रॉस v के बराबर हो जाएगा। तो इस जरा से टुकड़े पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो जरा सा होगा और उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आ जाएगी आई डीएल क्रॉस बी। अभी पूरे तार का नहीं निकाल रहे, पूरे तार का भी निकालेंगे, अगर इस तार का एक छोटा सा टुकड़ा मैं डीएल ले लूं तो उस डीएल टुकड़े पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो हो जाएगा आई डीएल क्रॉस बी के बराबर। जो भी मैग्नेटिक फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू आई डीएल क्रॉस बी। ये मैंने तार का एक छोटा सा टुकड़ा डीएल लिया है तो इस डीएल टुकड़े के ऊपर जो भी फोर्स लग रहा होगा वो आई डीएल क्रॉस बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो इस जरा से टुकड़े पे फोर्स था लेकिन मुझे चाहिए तो पूरे वायर पे फोर्स, तो अगर पूरे वायर पे फोर्स चाहिए मुझे तो मैं इसको फिर इंटीग्रेट करूंगा। तो अब इसी रिजल्ट को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रल डीएफ जो आएगा हो जाएगा आई इंटीग्रल डीएल क्रॉस बी। ठीक है, इंटीग्रल डीएल जो आएगा इसकी जो लिमिट होगी वो जीरो से एफ जाएगी, तो जो भी फोर्स की वैल्यू आएगी, जो भी फोर्स आएगा वो बराबर हो जाएगा आई इंटीग्रल डीएल क्रॉस बी। अब प्रॉपर लिमिट्स के साथ, प्रॉपर लिमिट का मात का मतलब यह है कि डीएल को या तो मैं बी को डीएल से रिलेट कर लूं या डीएल को बी से रिलेट कर लूं, और रिलेट करने के बाद लिख के प्रॉपर लिमिट रखेंगे तो फोर्स आ जाएगा। एक इसके अंदर स्पेशल केस होता है, खास एक विशेष केस होता है जिसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। कई बार नॉन यूनिफॉर्म होगी तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर जो सवाल आते हैं उसमें यूनिफॉर्म होती है। नॉन यूनिफॉर्म के सवाल भी आए हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है या कॉन्स्टेंट है, इस केस को मैं लिख रहा हूं इफ वेक्टर बी इज कॉन्स्टेंट। किसी भी वेक्टर को जब हम यूनिफॉर्म या कॉन्स्टेंट बोलते हैं तो इसका मतलब ना तो उसकी वैल्यू बदल रही ना उसका डायरेक्शन बदल रहा है। तो अगर वेक्टर बी कॉन्स्टेंट है तो ये जो भी चीज कॉन्स्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। तो हम इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर एफ को मैं लिख सकता हूं आई इंटीग्रल डीएल, और बी को मैंने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया। जो ये बी था ये इंटीग्रेशन के बाहर इसलिए चला गया क्योंकि वेक्टर बी कांस्टेंट है। तो अब इसका मतलब ये है कि वेक्टर एफ जो आएगा ये बराबर हो जाएगा आई इंटीग्रल डीएल क्रॉस बी। यहां मैंने दोबारा से लिख दिया। अब जो लिमिट रखूंगा मैं, अब मान लीजिए कि ये डीएल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है
तो अब डिस्प्लेसमेंट जब भी वेक्टर हम लिखते हैं तो उसमें खास बात यह थी कि डिस्प्लेसमेंट में बस हम इनिशियल से फाइनल देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट में हम ये नहीं देखते हैं कि वो वायर कैसा शेप है, किस किस रास्ते गया है, डिस्प्लेसमेंट में बस हम इनिशियल और फाइनल देखेंगे। तो जैसे इनिशियल पॉइंट यह है, फाइनल पॉइंट यह है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम वेक्टर एल बोलेंगे, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस वेक्टर को हम एल बोल देते हैं, अगर पूरा का पूरा यहां से इनिशियल से चालू किया फाइनल पहुंचा तो इसको हम वेक्टर एल बोल देते हैं। तो जो इसकी लिमिट आएगी वह जाएगी जीरो से वेक्टर एल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर एफ जो होगा वो होगा आई वेक्टर एल क्रॉस बी। बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा मजेदार फार्मूला है। मजेदार इसलिए बोल रहा हूं कि वायर का शेप कुछ भी हो, कैसा भी वायर का शेप हो, लेकिन जो फोर्स आएगा ना वो बस इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाला वेक्टर होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा उसके अंदर आपको ये नहीं देखा जाता कि कैसे कैसे वायर घुमा है, बस इनिशियल और फाइनल देखते हैं। तो जहां पर वेक्टर एल जो है, ये वेक्टर एल क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्वाइनिंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्वाइनिंग द टू एंड्स ऑफ द वायर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्वाइनिंग द टू एंड्स ऑफ द वायर, वायर के दोनों एंड्स को ज्वाइन करने वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर एल जो है वह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्वाइनिंग द टू एंड्स ऑफ द वायर, वायर के दोनों सिरों को ज्वाइन करने वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह आ गई कि हमें वायर के शेप से मतलब ही नहीं, वायर का कोई भी शेप साइज हो, कोई भी शेप साइज हो, जब हम लिखेंगे तो आई एल क्रॉस बी लिखेंगे, जहां एल जो है दोनों के सिरों को एंड्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर होता है किसी भी शेप साइज का हो। यहां से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आती है, मान लीजिए क्लोज लूप ले लिया मैंने, ऐसा क्लोज लूप ले लिया, क्लोज लूप का मतलब हम जहां से चले अल्टीमेटली वहीं पहुंच गए। तो अगर हम जहां से चले अल्टीमेटली वहीं पहुंच गए तो इनिशियल फाइनल तो बराबर हो गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो हो जाएगा तो जो वेक्टर एफ आएगा वो भी जीरो हो जाएगा। तो इसलिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आ जाती है कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी क्लोज लूप है, बंद लूप है, तो उसके ऊपर लगने वाला नेट मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर भी कोई भी क्लोज लूप रखा हुआ है तो उसके ऊपर लगने वाला नेट मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है, ठीक है। तो लिखे इसे नेट मैग्नेटिक फोर्स, नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए क्लोज्ड लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए क्लोज लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। कोई भी क्लोज लूप है उसके ऊपर जो भी नेट मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो जीरो के बराबर होता है। नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए क्लोज लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, ठीक है। तो जैसे किसी वायर के ऊपर जो फोर्स लगता है वो आई एल क्रॉस बी के बराबर होता है, तो हम लोग उस चीज को अप्लाई करते हैं। कुछ मैं सवाल दे रहा हूं, जैसे ये समझ लीजिए कि एक सेमी सर्कुलर वायर है और ये जो सेमी सर्कुलर वायर है इस सेमी सर्कुलर वायर के अंदर आई करंट जा रहा है और इसका रेडियस आर के बराबर है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से दे रखी है, इसका जो ये वाला डायमीटर है उसके पैरेलल, ठीक है। तो इसके अंदर क्वेश्चन ये बनता है, फाइंड फोर्स ऑन वायर, फोर्स ऑन वायर एबीसी, एबीसी वायर जो है उसके ऊपर लगने वाला फोर्स बताइए। तो अगर हमें एबीसी वायर के ऊपर फोर्स निकालना है तो देखिए एबीसी वायर का फोर्स हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। एबीसी वायर के ऊपर जो भी फोर्स होगा वो अगर हमें निकालना है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम तो वायर से कोई मतलब ही नहीं है हमें। अभी अभी रूल बताया आपको कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो आप तो बस उसके दोनों सिरों को मिला दो, उसके दोनों सिरों को मिला दोगे, मिलाने के बाद जो वायर बनेगा उसी के ऊपर आपको फोर्स निकालना है। तो जैसे ये गया ऐसे है, लेकिन हम तो सिर्फ एसी पे निकालेंगे, ये हो गया वायर एसी। अब इसमें करंट इस तरह से जा रहा है और ध्यान से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है भाई,
ए से हमने सी को मिला दिया, हमें बाहर के शेप साइज से मतलब ही नहीं होता, हम तो बस उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला देते हैं। तो हमने इसको मिला दिया, अब मिला दिया तो एसी वायर बन गया ये। अब एसी वायर जिधर है उधर ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब जैसे हमने देखा था ना एफ की वैल्यू क्या आई थी, एफ आया था आई एल क्रॉस बी, एफ आया था आई एल क्रॉस बी। अब आप देखें तो एल वेक्टर ये हो गया एसी वेक्टर, जो इसी को एल बोलेंगे हम, और बी भी इसी डायरेक्शन में है, तो एल क्रॉस बी जो है एल और बी का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों का बीच का एंगल जीरो हो जाएगा, तो फोर्स जीरो के बराबर हो जाएगा। तो वायर एसी के ऊपर लगने वाला जो फोर्स आएगा, जो भी वायर एसी के ऊपर लगने वाला फोर्स आएगा वो जीरो के बराबर आ जाएगा। एक ये सवाल हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये एक सवाल करें, सपोज करें ये एक सेमी सर्कुलर वायर है, सेम उसी टाइप का सेमी सर्कुलर वायर है, इसका रेडियस आर है, करंट आई फ्लो कर रहा है, वायर का जो नाम है वही रख दे रहा हूं मैं, एबीसी, एबीसी इस वायर का नेम है, ठीक है। और इस वायर का नाम एबीसी है, सेमी सर्कुलर वायर है, और इस बार मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस्ड है, ऐसे अंदर की तरफ है, ऐसा नहीं कि फील्ड्स बस यही है, हर जगह यहां 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 हर जगह है, एक ही जगह मैं बना रहा हूं जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे, ठीक है। तो ये एबीसी वायर है, इसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है और ये सभी सर्कल का रेडियस आर के बराबर है। तो इसके अंदर क्वेश्चन जो बन रहा है वो यही है, फाइंड फोर्स ऑन वायर एबीसी, एबीसी वायर जो है उसके ऊपर फोर्स बताओ। एक मिनट का पॉज लेना है आपको, उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। तो एबीसी वायर पे मुझे फोर्स निकालना है, तो इसका नियम ये था जो आपको रूल बताया था, आपको वायर के शेप साइज से मतलब नहीं है, आप तो वायर का जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल है दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो, और वो जो स्ट्रेट लाइन होगी उसी को हम लोग वायर वो सीधा तार बना देते हैं, उसको कहने का मतलब ये है। तो जैसे एबीसी था तो एबीसी के लिए हम ए से सी को मिला देंगे, ए से सी को मिला देंगे, ये हो जाएगा वेक्टर एल, ए से सी को हमने मिला दिया तो ये वेक्टर एल हो गया। अब उसके बाद एफ बराबर होता है आई एल क्रॉस बी, सॉरी आई एल क्रॉस बी, थोड़ा ध्यान से देखें, हमें वैल्यू निकालनी हुई, डायरेक्शन बाद में निकाल लेंगे, तो थोड़ा ध्यान से अगर हम देखें तो जो एफ की वैल्यू आएगी वो आएगी आई एल बी साइन थीटा। अब देखें वेक्टर एल इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो वेक्टर एल अगर आगे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो एक वेक्टर ऐसे हो गया और एक अंदर की तरफ हो गया, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो एल और वेक्टर एल जो है और बी के बीच एंगल 90 डिग्री हो गया, थीटा 90 हो गया। अच्छा इसकी लंबाई कितनी हो गई, इससे इसको मिलाया था तो ये 2r हो गया, तो इसकी लंबाई जो है ये 2r के बराबर हो गई, और थीटा 90 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, जो फोर्स आएगा वो 2iRb हो जाएगा, ये फोर्स आ जाएगा। डायरेक्शन देखें, फोर्स की जो वैल्यू आई थी वो एल क्रॉस बी आई थी, यानी फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो एल क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, यानी एल पहला वेक्टर एल है, इसके डायरेक्शन में अंगूठा करें, बी के डायरेक्शन में उंगलियां करें, तो जो पाम है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा, ये वेक्टर एफ हो जाएगा। तो वेक्टर एफ की वैल्यू जो आएगी वो 2iRb के बराबर हो जाएगी, और उसका डायरेक्शन जो आएगा उसके बराबर जाएगा, ठीक है। इसी के अंदर एक और सवाल बनता है, इसी इसी का एक और पार्ट में बना रहा हूं आपको, फाइंड फोर्स ऑन क्वार्टर सर्कल, फोर्स ऑन क्वार्टर सर्कल एबी, फाइंड फोर्स ऑन क्वार्टर सर्कल एबी, एक चौथाई सर्कल एबी के ऊपर लगने वाला फोर्स बताओ, फोर्स ऑन क्वार्टर सर्कल एबी, एक चौथाई जो सर्कल ए बी है इसके ऊपर लगने वाला फोर्स बताओ। डेढ़ मिनट का समय लीजिएगा आप पॉज करके, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। तो अगर मुझे क्वार्टर सर्कल ए बी पे फोर्स निकालना है तो मुझे वायर के शेप साइज से मतलब नहीं है, हम तो वायर के इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला देंगे, जो एक सीधा तार बनेगा उसी के ऊपर फोर्स निकालेंगे। तो अब जैसे मुझे क्वार्टर सर्कल एक चौथाई सर्कल ए बी पे फोर्स निकालना था, तो हम इसकी चिंता नहीं करेंगे कि कैसे गए, हम तो ए से बी को सीधे मिला देंगे। तो ए से बी को हमने मिला दिया, हाँ ए से बी को हमने मिलाया, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा ए बी, ये हो गया वेक्टर एल, ठीक है, ये वेक्टर एल हो गया। और अगर ध्यान से देखा जाए तो एबी की जो लंबाई आएगी, एबी की जो लंबाई आएगी वो ये आर था, ये भी आर था, तो पाइथागोरस से एबी की लंबाई आ जाएगी आर रूट टू, ठीक। अब ये वेक्टर एल हो गया, ये हो गया वेक्टर एल,
वेक्टर एल का मतलब सीधा तार एक हमने मान लिया, अब इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स आएगा उसकी वैल्यू आएगी आई एल वी साइन थीटा। जरा ध्यान से देखें, वेक्टर एल तो ऐसे जा रहा है और वेक्टर बी अंदर की तरफ है, तो अभी भी ये परपेंडिकुलर है। जो वेक्टर एल है वो ऐसे जा रहा है, इस तरह से मान लीजिए एल ऐसे जा रहा है और बी बोर्ड के प्लेन के अंदर है और ये बोर्ड के प्लेन में ही है और वो उसमें अंदर की तरफ जा रहा है, तो वेक्टर एल और बी अभी भी परपेंडिकुलर है, तो अभी भी परपेंडिकुलर है, थीटा 90 हो जाएगा। एल जो आएगा वो आर रूट टू आ जाएगा, तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा रूट टू आई आर बी। और इसका जो डायरेक्शन आएगा वो देख लें, वेक्टर एल ऐसे है वेक्टर बी ऐसे है, तो फोर्स का डायरेक्शन जो आएगा कुछ इस तरह से आ जाएगा, जो इस पर फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू आएगी रूट टू आई आर बी और जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से जाएगा। इसी के अंदर मतलब ये तो आ गया, खैर अगर मान लो इसी के अंदर आपसे कहता बीसी पे बताओ, तो बीसी पे भी इतना ही फोर्स आता लेकिन उसका जो वो एल क्रॉस बी उस पर फोर्स इधर आता, तो बीसी पे फोर्स इधर आता, एबी पे फोर्स इधर आया है। अब ये दोनों फोर्सेस ऐड करके नेट फोर्स जो है वो इनका वेक्टर सम करते तो टू आई आर बी के बराबर आया था, जो पिछले सवाल में आया था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अलग अलग टुकड़ों पर फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि दो कोई भी करंट कैरिंग वायर है, मान लीजिए पैरेलल वायर्स है करंट कैरिंग, तो इन पैरेलल वायर्स में एक ये दोनों वायर एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाते हैं। पहली बात तो ये पता लगाएंगे कि ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। अगर करंट का डायरेक्शन सेम है तो ये वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, पहले तो इसका फैसला करते हैं। इसका फैसला कैसे होगा ये समझिए, जैसे मान लीजिए मुझे इस वायर पे फोर्स निकालना है, तो जब इस वायर पे फोर्स निकालना है तो जब मैग्नेटिक फील्ड में लूंगा वो इस वाले वायर के लूंगा, अगर मुझे इस पे फोर्स निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले वायर के लूंगा। तो अगर जैसे मैं इस वाले वायर का एक छोटा सा डिस्टेंस मान लेता हूं, मैं ये ए बी है, ऐसे ए बी डिस्टेंस मान लीजिए, इसके ऊपर फोर्स मुझे निकालना है, ए बी ये दूरी है इस तार की, मुझे इसके ऊपर फोर्स निकालना है, ए बी मैं बोल देता हूं मान लीजिए स्मॉल एल है। तो अब यहां पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा तो इस वाले वायर के कारण, जैसे इसके कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखेंगे, तो जैसे अगर हम इस तार को मुट्ठी में पकड़े तो यहां से उंगली अंदर जाएंगे, यानी इस वायर के कारण यहां पर जो मैग्नेटिक इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्रॉस्ड आएगी, यहां पर इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस वाले वायर के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस्ड आएगी। अब किसी भी करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो फोर्स होता है वो आई डीएल क्रॉस बी होता है, तो अब इसके ऊपर अगर मुझे फोर्स निकालना है तो करंट डीएल तो इसका लेंगे बी इसका लेंगे, तो डीएल वेक्टर ये हो जाएगा, बी अंदर की तरफ है तो फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो इस तार के ऊपर जो फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में आएगा। अब अगर फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स माना जाएगा, यानी कि दो वायर्स अगर पैरेलल वायर्स जो है सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन लगता है। जैसे दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन अगर दो करंट सेम डायरेक्शन में हैं तो दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक काम की बात यहां आती है। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, then the wires attract, अगर करंट का डायरेक्शन सेम है तो जो दोनों तार होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अब ये तो मतलब अट्रैक्शन हो गया। उसी तरह से अगर मैं इसके ऊपर फोर्स निकालना चाहता हूं तो फील्ड इसका लूंगा मैं, इसके कारण यहां पे फील्ड बाहर की तरफ होगी, तो अब डीएल इधर है बाहर की तरफ, वेक्टर भी डीएल तो करंट का डायरेक्शन इधर है तो डीएल इधर हो जाएगा, वेक्टर भी इधर तो डीएल क्रॉस भी इधर आ रहा है, तो इस वाले तार पे फोर्स इधर लगेगा इस वाले पे इधर लगेगा, तो बेसिकली ये अट्रैक्टिव फोर्स, इसी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं, फोर्स को अट्रैक्टिव बोलने की जो वजह है वो यही है। अब हम ये पता लगाना चाह रहे हैं, जैसे एक छोटा सा टुकड़ा ए बी है मान लीजिए, तो इस ए बी टुकड़े पे कितना फोर्स लग रहा होगा, इस फोर्स की मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। तो अगर इस टुकड़े पे मैं फोर्स निकालना चाह रहा हूं तो इस टुकड़े पर जो भी फोर्स आएगा वो आ जाएगा आई इंटू एल क्रॉस बी, ये फार्मूला होता है, जिस वायर का एल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले का होगा, मतलब जब मैं इस वाले तार पे फोर्स निकाल रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड इसका होगा। अब आप जरा ध्यान से देखें, इसका वेक्टर एल इधर आ रहा है और इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो एल इधर है बी इधर है, तो एल और बी के बीच एंगल 90 डिग्री हो गया, तो जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन 90। इसके अंदर जो करंट था उसको मैंने I2 बोला था, तो यहां मैं I2 बोल देता हूं, साइन 91 हो जाएगा। अब इसको मैं ले देता हूं तो I2 की वैल्यू I2 ही रहेगी और L जो है वो स्मॉल l लिया है मैंने, यहां से यहां तक की दूरी को स्मॉल l माना है, और B जो है वो तो इसके कारण होगा। अब इनफाइनाइट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा
कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई डी, ये हो जाएगा। तो एफ की जो वैल्यू आएगी, जो भी फोर्स इनके बीच आएगा, वो म्यू नॉट आई वन आई टू एल अपॉन टू पाई डी। जो एफ आएगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई वन आई टू एल अपॉन टू पाई डी। तो अगर दो मान लीजिए कि लंबे तार हैं, तो किसी एक तार की L लंबाई पर जो फोर्स लगता है वो L जो है वो जो फोर्स आता है वो म्यू नॉट आई वन आई टू एल अपॉन टू पाई डी के बराबर होता है। ठीक है, ये एक बात आ गई, इसको खैर नोट कर लीजिएगा पॉज करके। जो भी मैं लिखाता हूं उसको आपको पॉज करके नोट करना है, ऐसा नहीं कि आप बस सुनते चले जाए। कहानी जैसे बापू का प्रवचन चल रहा है, कोई संत मुरारी बापू, तरह तरह से, मतलब ये प्रवचन नहीं है। इसमें जो भी आपको बताया जाए वीडियो पॉज करके, क्लास में तो हम लोग रुक जाते हैं थोड़ी देर, 5 मिनट रुक जाते हैं, बच्चे नोट कर लें। अब ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो इसके अंदर आपका ये जिम्मेदारी कि वीडियो को पॉज करें और उसको नोट करें और फिर वीडियो को फिर आगे बढ़ाएं। मतलब ये तो आपके हाथ में है ना, ऑनलाइन का ये तो खूबी है। एक आधे घंटे के वीडियो का मतलब कम से कम 1.5 घंटे होता है। अगर आप एक आधे घंटे का ऑनलाइन में वीडियो से पढ़ रहे हैं तो आपको 1.5 घंटे उस पर खर्च करने हैं। पूरा प्रॉपर नोट्स बनाना है, एक एक क्वेश्चन जो दिए जाए उसको सॉल्व करने हैं, ठीक है, और फिर उसको मैच कराना है कि पीछे जो सर ने कराया और जो मैंने कराया उसका क्या सॉल्यूशन है। तो मतलब ऑनलाइन के अंदर ये नहीं है कि बस आप सुनते जाए तो कथा हो जाएगी ना। ठीक है, तो खैर, तो एफ जो है इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये म्यू नॉट आई वन आई टू एल अपॉन टू पाई डी के बराबर हो जाएगा। ये इसका करंट आई वन है, इसका आई टू है, इनके बीच की दूरी, ये दूरी एल के बराबर है और ये दूरी डी के बराबर है, तो ये एफ की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब उसके बाद देखें, अगर मान लिया जाए एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, क्यों बता रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। अगर मान लिया जाए कि एल 1 मीटर है, डी जो है वो भी 1 मीटर है, I1 और I2 ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों 1 एम्पियर है, ऐसे मान लेता हूं, मेरी मर्जी है, मेरा मन कराता है सबको एक मान ले, I1 भी 1 मान लिया एम्पियर, I2 1 एम्पियर, L 1 मीटर, D 1 मीटर, तो उस कंडीशन में जो मेरा फोर्स आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, या इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻⁷, ये हो जाएगा। अगर मैं सब 1 मान लूं, I1, I2, L, D, जो जो हो सकता है, जो जो मतलब वैल्यू है सबको 1 मान लूं, तो ये जो फोर्स आ जाएगा ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई के बराबर आ जाएगा। तो ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई के बराबर हो गया, ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁷। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली आपने जब 11th क्लास में 1 एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ी होगी, 1 एम्पियर की जब डेफिनेशन आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, तो बड़ी अजीब टाइप की डेफिनेशन पढ़ी होगी। डेफिनेशन क्या होगी कि अगर दो इन्फिनेटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं, दोनों इक्वल करंट कैरी कर रहे हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे गए हैं, उनकी यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स अगर 2 × 10⁻⁷ है, तो दोनों वायर्स में जो करंट होगा 1 एम्पियर होगा। तो 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन है वो यहीं से उठाई गई है। कैसे? अगर मान लिया जाए कि इनके बीच का फोर्स है 2 × 10⁻⁷, L जो है 1 मीटर है, D 1 मीटर है, I1 I2 बराबर है, तो I1 I2 दोनों की वैल्यू 1 एम्पियर के बराबर होगी। तो 1 एम्पियर की जो सरकारी डेफिनेशन है, सरकारी का मतलब जो आपका किताबों में लिखी रहती है, जो कि बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होती है, वो डेफिनेशन ये है कि अगर दो लंबे सीधे तार हैं, पैरेलल वायर्स हैं, इक्वल करंट कैरी कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, और 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे गए यूनिट लेंथ, 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे गए और उनके यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लग रहा है वो 2 × 10⁻⁷ है, तो जो दोनों वायर्स में करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर। ये मैं लिख देता हूं, ये आपका एक डेफिनेशन है, लिखे इफ टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरी इक्वल करंट, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरी इक्वल करंट इन सेम डायरेक्शन, इफ टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरी इक्वल करंट्स इन सेम डायरेक्शन एंड दे आर कैरी इक्वल करंट इन सेम डायरेक्शन एंड दे आर प्लेस्ड at a distance of 1 meter, if two long parallel wires carry equal currents in same direction and they are placed at a distance of 1 meter and force acting
पर यूनिट लेंथ एंड फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ एंड फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ ईच वायर एंड फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ ईच वायर इज 2×10⁻¹⁷ न्यूटन पर मीटर. देन द करंट इन द वायर्स इज 1 एम्पियर. इफ टू लॉन्ग, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं, इफ टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरी इक्वल करंट्स इन सेम डायरेक्शन एंड दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एंड फोर्स एक्टिंग पर यूनिट, उनकी 1 मीटर की लंबाई पर जो फोर्स लग रहा होगा वो 2×10⁻¹⁷ न्यूटन पर मीटर है, तो करंट हर वायर में, दोनों वायर में जो करंट होता है वो 1 एम्पियर के बराबर होता है. ये 1 एम्पियर की ऑफिशियल डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है, जो बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से और इस तरह से काम भी आती है. आइए बच्चों एक सवाल और करते हैं हम लोग. इसके अंदर ये एक इनफाइनाइट वायर है जो I1 करंट कैरी कर रहा है और ये छोटा सा तार AB है जो I2 करंट कैरी कर रहा है, और AB तार की जो लंबाई है वो L के बराबर है, और जो ये तार AB है उसके यहां से जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वाली, ये स्मॉल a के बराबर दे रखी है. अब इसके अंदर क्वेश्चन बन रहा है, फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन वायर AB. AB वायर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो मैं आपको 3 मिनट का समय दे रहा हूं उस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. पॉज करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर मेरे साथ सॉल्यूशन देखें. हिंट में दे रहा हूं आपको, इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मतलब ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है. खैर चलिए मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूं. इसमें मुझे वायर AB पे फोर्स निकालना है, AB पे फोर्स निकालना है. तो अब AB पे फोर्स, वैसे तो किसी भी तार के ऊपर फोर्स IL क्रॉस भी होता है, तो AB पे फोर्स निकालना है तो बड़ी आसानी से हम IL क्रॉस भी बोल सकते हैं. प्रॉब्लम ये है कि AB जो वायर है इसमें मैग्नेटिक फील्ड यहां से लेके यहां तक बदल रही होगी. जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी खुद की फील्ड तो लेंगे नहीं. जब भी किसी तार पे हम फोर्स निकालते हैं तो उसकी खुद की फील्ड नहीं लेते, दूसरे की लेते हैं. तो इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड अलग आएगी, यहां अलग आएगी, यहां अलग आएगी, सब जगह अलग अलग आएगी. तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हर जगह अलग अलग आएगी तो IL क्रॉस भी डायरेक्ट तो हम बोल नहीं सकते. तो यहां B वेरिएबल हो गया. अब B वेरिएबल हो गया तो इस वेरिएबल B के हिसाब से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, सॉरी फोर्स निकालना है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, यहां एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूं. एक छोटा सा मैंने ऐसे टुकड़ा ले लिया अपनी तरफ से, मान लिया इस टुकड़े की लंबाई मैंने अपनी तरफ से dx मान ली, ठीक है, और ये जो टुकड़ा है इसकी लंबाई x मान ली, ये जो छोटा टुकड़ा है इसकी लंबाई dx मान ली, और ये टुकड़ा यहां से इसकी दूरी मैंने x मान ली. तो अब इसमें जो फोर्स लगेगा अगर ध्यान से देखें तो इस छोटे से टुकड़े का dl इधर आएगा और इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी. तो dl इधर है, b इधर है, तो जो भी फोर्स लगेगा dl क्रॉस b ऊपर की तरफ लगेगा. तो अब अगर हम इसके ऊपर फोर्स निकालते हैं, इस वायर के ऊपर फोर्स निकालते हैं, तो df की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगा, इसमें करंट जो जा रहा है वो जा रहा है I2 into dx into b. b की जो वैल्यू आएगी आएगी म्यू नॉट I1/2πx. जो फोर्स आएगा वो ILB, तो ये हो गया I2 और ये दूरी हो गई dx और मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट I1/2πx. इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट I1/2π dx/x. ये हो जाएगा, जो df की वैल्यू आ जाएगी वो इतनी आ जाएगी. छोटे से एलिमेंट में I करंट जो था वो I2 था, लंबाई इसकी dx हो गई और b जो है वो इसके कारण लेंगे, तो यहां से इसकी दूरी x के बराबर थी. इनफाइनाइट वायर का जो फील्ड आता है वो म्यू नॉट I/2π r होता है. तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1/2π dx/x. ये हो जाएगा. अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, मान लेते हैं यहीं से हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रल df हो जाएगा म्यू नॉट I1/2, कांस्टेंट सारे बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रल dx/x. अब सोचो जरा इसकी लिमिट क्या होगी. x चालू हो रहा है यहां से, मतलब ये जो एलिमेंट है वो चालू हो रहा है यहां से, खत्म हो रहा है यहां पे. तो x की जो इनिशियल वैल्यू होगी a और फाइनल वैल्यू होगी a+L,
तो ये हो जाएगा ए टू ए प्लस एल, ये हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स जो है वो एल एन एक्स हो जाता है, तो ये हो जाएगा एल एन एक्स इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स जो आएगा वो एल एन एक्स आ जाएगा और ये आ जाएगा ए टू ए प्लस एल। अब लिमिट रखेंगे, ये जाएगा जीरो से एफ, तो अब लिमिट रखेंगे तो एफ कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई एल एन ऑफ ए प्लस एल माइनस एल एन ऑफ ए। अच्छा लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए बाई बी, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली जो सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी वो आ जाएगी म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई एल एन ऑफ ए प्लस एल अपॉन ए। ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, जो फोर्स आएगा वह जाएगा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई एल एन ऑफ एल प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेट करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रही थी, मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रही थी तो फील्ड के वेरिएशन की वजह से हमको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी। फील्ड का वेरिएशन नहीं होता तो हम इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। नोट कर लें इसे, नोट जब आप करें तो ये हमेशा ध्यान रखें कि भाई पॉज कर लें पहले वीडियो, फिर नोट कर लें, फिर उसके बाद आप वीडियो ऑन करें तो आप आगे करें। नोट तो हर सवाल को आपको करना है। इसी के अंदर एक और सवाल बनता है, वो सवाल मैं यहां लिख रहा हूं। फाइंड द टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, फाइंड द टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन, फाइंड द टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर ए बी अबाउट पॉइंट ए, क्योंकि टॉर्क तो किसी न किसी पॉइंट के अबाउट ही लेना होता है। तो कह रहे हैं कि इसके ऊपर ए बी वायर के ऊपर जो भी मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसका ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालें। फाइंड द टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर ए बी अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट ए के अबाउट मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क आपको निकालना है, ठीक है। टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर ए बी अबाउट पॉइंट ए, तो पॉइंट ए के अबाउट हम मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क जो है वो निकालने जा रहे हैं, ठीक है। दो मिनट का समय लेंगे और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आप लोग समय लीजिएगा फिर सॉल्व करिएगा। मैं इसका सॉल्यूशन बता दे रहा हूं आपको। इसका जो सॉल्यूशन होगा ये देखें, इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है। अगर आप टॉर्क देखें तो टॉर्क होता क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो होता है। तो अगर आप देखें तो फोर्स तो डीएफ लग रहा है और इस पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी टोटल, ये एक्स था और ये ए था, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए। टॉर्क जो होता है वो फोर्स इंटू पर, तो फोर्स इस छोटे जरा से टुकड़े पे डीएफ लग रहा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स माइनस ए आ गई। अब मैं डीएफ की वैल्यू तो मैंने पहले भी लिख रखी थी तो मैं डीएफ की वैल्यू लिख देता हूं, तो डीएफ आएगा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई इंटू डीएक्स अपॉन एक्स। ये डीएफ की वैल्यू आई थी, इसको मैं एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्स जाएगा तो एक एक्स एक एक्स कट भी जाएगा और जो अपने पास बचेगा मैं इस साइड लिखूंगा, ये थोड़ी जगह नीचे है वहां लिख देता हूं। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी डी टाउ की, ये आ जाएगी म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई, हाँ एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा वन और अंदर में डीएक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये डीएक्स हो जाएगा माइनस म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई ए इंटू डीएक्स अपॉन एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा ए इंटू डीएक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया जीरो से टाउ, ये हो गया जीरो से, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही, एक्स की वैल्यू जो स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी ए से, एक्स स्टार्ट हुआ था ए से और गया है ए प्लस एल तक, तो ये हो जाएगा ए टू ए प्लस एल, ये भी हो जाएगा ए टू ए प्लस एल।
ये जाएगा वी नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डीएक्स एक बार हो जाएगा एक्स एक्स कट जाएगा माइनस ए बाई एक्स डीएक्स. अब मैं इसको फर्दर इंटीग्रेट कर लेता हूं यहां थोड़ी जगह क्रिएट करके इस जगह पे तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो टॉर्क की जो वैल्यू आ रही है ये टॉर्क की वैल्यू आ रही है म्यू नॉट आई वन आई टू इस वाले को तो इस वाले को लिखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई ए प्लस एल माइनस ए तो ए से ए प्लस एल में से ए चला जाएगा एल बचेगा फिर आएगा माइनस म्यू नॉट आई वन आई टू ए अपॉन टू पाई डीएक्स अपॉन एक्स हो जाएगा एल एन एक्स हो जाएगा एल एन ए प्लस एल अपॉन ए हो जाएगा. तो ये टॉर्क की वैल्यू हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं म्यू नॉट आई वन आई टू ए अपॉन टू पाई और डीएक्स अपॉन एक्स एल एन एक्स हो गया फिर वो लिमिट जाएगा एल एन ए प्लस एल अपॉन एल इसके बराबर आ जाएगा.